Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. Today we are on the chapter of business communication skill of secretary, and in your textbook page number 140 we will check layout of the business letter. It is one of the important question exam point of view. Layout ka matlab kya hota hai? We are talking about format or प्रेजेंटेशन ऑफ द लेटर. ये देखिए आप, ये एक आपको सैंपल और वी कैन से ड्राफ्ट बना करके दिया हुआ है, लेटर का फॉर्मेट बना करके दिया हुआ है कि कौन सा टाइटल कहां पर इंडिकेट करता है. फॉर एग्जांपल, ये जो पर्टिकुलर हेडिंग है ये सेंटर में लिखा गया है. कंपनी का टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फैक्स, वेबसाइट, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेंशन है. उसके बाद रेफरेंस नंबर लिखा गया है बिलो फैक्स नंबर, डेट लिखा गया है बिलो वेबसाइट एड्रेस. ठीक है ना? तो कौन सी चीज कहां पर प्लेस की जानी है, इसे हम कहते हैं लेआउट ऑफ द बिजनेस लेटर. तो इस लेआउट को एक एक करके हम समझेंगे फ्रॉम पेज नंबर 140. तो सबसे पहला इसमें आता है हेडिंग. हेडिंग में आपको क्या लिखना है? आपने 9 10 स्टैंडर्ड में भी फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर कई बार लिखा है. और जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते थे वहां पर सबसे ऊपर नेम ऑफ सेंडर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर ये लिखना इंपॉर्टेंट होता था, और उसी को हम यहाँ पर हेडिंग कहते हैं. और कई बार फॉर्मल लेटर में, या मैं कहूं कि लेटर फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जो हेडिंग होती है वो ऑलरेडी प्रिंटेड होती है, जिसे हम कहते हैं लेटर हेड. क्या कहते हैं? लेटर हेड. क्योंकि ज्यादातर जो लेटर लिखे जाते हैं वो या तो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं या तो हैंड रिटन. और कंपनी की तरफ से लिखे जाने वाले लेटर में ऊपर कंपनी का नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स, वेबसाइट एड्रेस ये फिक्स होता है, और रेस्ट ऑफ द थिंग वो आपको लिखना होता है. ठीक है? सो मीनिंग कंटेन द नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, CIN number of the company, etc. It is that part of business letter which introduces the sender to the receiver. ये part देखने के बाद जो receiver है उसे समझ में आ जाएगा कि ये letter कहाँ से आया है. Usually printed letterheads are used. तो ज्यादातर देखा गया है कि जो company या organization forms होते हैं वो already अपने पास ये एक A4 size का letterhead प्रिंटेड फॉर्म में ही रखते हैं. स्टार्टिंग का जो आप हेडिंग देखेंगे वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा. फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स लिमिटेड, उनका एड्रेस आ गया, CIN नंबर आ गया, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, ये सारी बातें हेडिंग के अंदर आ जाती हैं, शो करनी पड़ती. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डेट. डेट जो है एक ब्रिटिश स्टाइल में लिखा जाता है, जिसमें डे पहले आएगा, उसके बाद मंथ आप लिखते हैं, और उसके बाद आपको ईयर मेंशन करना होता है. वेयर एज अमेरिकन स्टाइल में क्या होता है, अमेरिकन स्टाइल में पहले आप मंथ लिखते हैं, फिर आपको डेट लिखना होता है, और लास्ट में ईयर का फॉर्मेट आता है. राइट? हमें कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है? डेफिनेटली दिस वन. बराबर है? अच्छा, इसके अलावा जब भी हम मंथ का इंफॉर्मेशन लिखें हम हमेशा वर्ड्स में लिखें, ताकि वहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो, और उसे कंप्लीट लिखें, पूरा लिखें. ऐसा नहीं कि जनवरी को आपने लिखा जान, फरवरी को आपने लिखा फेब, मार्च को आपने लिखा मार, ऐसा आपको करना नहीं है. ठीक है? आपको कंप्लीट मंथ का नाम लिखना है. गॉट दिस पॉइंट? ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. इसके बाद आ जाती है बात रेफरेंस नंबर की. व्हाट इज रेफरेंस नंबर? जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लेटर लिखे गए हैं वो सारे लेटर्स को प्रिजर्व किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा लेटर कब लिखा था, उस लेटर का सब्जेक्ट मैटर क्या था, बॉडी ऑफ द लेटर क्या था, तो पूरा का पूरा लेटर जो है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि एक एविडेंस की तरह पे काम आता है. तो आज से अगर मैंने कोई 3 साल 4 साल पहले लेटर लिखा हुआ, या 1 साल पहले ही लेटर लिखा होने दो,
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स आते हैं। अब एक दिन में 100 लेटर आएगा तो इतने सारे लेटर को प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा प्रिजर्व करके रखना कि कल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से या कंसर्न पर्सन में से किसी ने बोला कि मुझे ये लेटर की कॉपी ला करके दीजिए, तो इमीडिएटली मैं उसे सर्च कर सकूं। इसके लिए एक स्पेसिफिक नंबर उसे देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं रेफरेंस नंबर, ठीक है ना, जिसके अंदर सबसे पहले क्या हो जाता है, सीरियल नंबर आपको मेंशन करना पड़ता है कि ये उस पार्टी को कौन सा लेटर लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल ये परचेस डिपार्टमेंट है, तो परचेस डिपार्टमेंट में ये कौन से नंबर का लेटर है, अभी तक कितने लेटर्स आ चुके हैं, तो 91 नंबर का लेटर है, या ये 91 नंबर का लेटर हम लिख रहे हैं, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट, पी से हमने इंडिकेट किया परचेस डिपार्टमेंट। कौन सा ईयर है, 2019 का ईयर है, तो इस तरीके से एक स्मॉल नंबर क्रिएट हो गया 91/P/2019। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपना रेफरेंस नंबर कैसे मेंटेन करते हैं। इट इज नॉट कंपलसरी कि इसी तरीके से बनाना है, बट आपको ऐसा बनाना है कि फ्यूचर में आप उस लेटर को प्रॉपर तरीके से सर्च कर सको। गेटिंग दिस पॉइंट। इसके आगे है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस का सिंपल मीनिंग है एड्रेस ऑफ रिसीवर, एड्रेस ऑफ रिसीवर, जो पर्सन को ये लेटर मिलने वाला है उसका एड्रेस जब हम लिखते हैं तो उसे कहा जाता है इनसाइड एड्रेस। अब उसका एड्रेस लिखने के पहले हमको उसका नाम लिखना पड़ेगा, तो अगर वो इंडिविजुअल है तो मिस्टर या मिसेस इस नाम से हम इंडिकेट करेंगे, या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, तो हम मेसर्स के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं, M/S, ठीक है। तो यहां पर उसका नेम एंड एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक ब्रीफ एरिया होता है, एक स्मॉल एरिया जहां पर 2-3 लाइन में आपको इंडिकेट करना है कि समरी क्या है, लेटर लिखने का कारण क्या है। जो व्यक्ति ये सब्जेक्ट रीड करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये लेटर लिखने का रीजन क्या है, सामने वाली पार्टी या सेंडर क्या चाहता है, ये आपको ब्रीफ में लेटर में इंडिकेट कर देना। आपको याद होगा आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में कई बार लेटर लिखा होगा, लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर 2 days लीव और 3 days लीव फ्रॉम द स्कूल। तो वो दो लाइन में आप क्या करते थे, आप एक रिक्वेस्ट लिखते थे, रिक्वेस्ट लेटर फॉर टेकिंग 2 days लीव फॉर अटेंडिंग ब्रदर्स मैरिज, याद आता है। तो वहां पर जो रिसीवर है ना उसको पूरा लेटर रीड करने की जरूरत नहीं, अगर वो बहुत हरी में है तो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर रीड करके वो सैंक्शन कर सकता है, या जो एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, वो ले सकता है। सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर, इट इज रिटन इन ब्रीफ एज SUB, ठीक है ना, शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं SUB। इट शोज द पर्पस ऑफ द लेटर, लेटर का क्या पर्पस है यहाँ पर इंडिकेट करता है। The reader gets the idea of matter of the letter without reading the letter completely. बिना letter को complete read किए, बिना body of the letter read किए, आपको पता चल जाता है कि letter लिखने के पीछे का कारण क्या है। It helps to send it to concerned section or department and quick filing is possible. अच्छा, इसके वजह से दो benefit होते हैं, एक तो summary पता चल जाता है, दूसरा कौन से department का या section का letter है वो क्विकली पता चल जाता है ताकि हम इसको ठीक ढंग से फाइल कर सके। समटाइम्स रेफरेंस लाइन इज आल्सो रिटन टू गिव रेफरेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। कभी कभी रेफरेंस लाइन भी दिया जाता है कि ये किस रेफरेंस के थ्रू लिखा गया है। पॉइंट नंबर 6 इज सैल्यूटेशन। देखो नाम में ही सैल्यूट लिखा हुआ है, सैल्यूट मतलब हम जब किसी से मिलते हैं तो उसे ग्रीट करते हैं, है ना। आप भी कई बार किसी से मिलेंगे तो नमस्कार बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी पर्टिकुलर पीरियड है उसके हिसाब से आप उसको ग्रीट करते हैं। यहां पर आप पर्सनली किसी से नहीं मिल रहे हैं बट उसको लेटर के थ्रू विजिट दे रहे हैं, तो ऐसे केस में हमको एक सम्मान देना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो उनको इंडिकेट करने के लिए हम लिख सकते हैं डियर सर और मैडम। इसके अलावा आप लिख सकते हैं रेस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है।
यहाँ पर आप स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, डियर DEAR है, DEER मत लिख दीजिए, ठीक है, अलग मीनिंग उसका क्रिएट हो जाएगा। तो सल्यूटेशन आपको ध्यान रखना है कि आप लेटर को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स आप सब्जेक्ट मैटर को ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहला आप सामने वाले पर्सन को एक ग्रीटिंग देते हैं, ठीक है। सैल्यूटेशन इज अ ग्रीटिंग फ्रॉम द राइटर टू द रीडर, इट क्रिएट्स फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड। जब आप इस तरीके का लेटर लिखते हैं या इस तरीके का सैल्यूटेशन लिखते हैं, उसको आपके प्रति एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फेवरेबल इंप्रेशन। जब आप डियर सर मैडम लिख रहे हैं या रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिख रहे हैं, उसका इंप्रेशन आपके लिए फेवरेबल हो जाता है। इट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिन बिलो द इनसाइड एड्रेस। तो जहां पर आपने इनसाइड एड्रेस लिखा है उसमें नीचे की तरफ आपको इसको लिखना है मार्जिन से लगे हुए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पार्ट बॉडी ऑफ द लेटर का। अब आप ध्यान दीजिए फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर सैल्यूटेशन कहाँ होता है, आप देखिए आपने यहां पर लिख दिया इनसाइड एड्रेस, ठीक है। इनसाइड एड्रेस के बाद आपने सब्जेक्ट मैटर मेंशन किया और मार्जिन से लग करके आपने क्या लिखा, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आ जाता है बॉडी ऑफ द लेटर का पार्ट, जिसको हम तीन पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ और कंक्लूजन, ठीक है। So it is the most important part of the business letter. It contains actual message for receiver of the letter. Letter का जो असली मकसद है वो इस body of the letter में लिखा है। This message should be divided in paragraph. तो अलग अलग paragraph आपने बनाया। सबसे पहला है first paragraph, that is introduction paragraph. It introduces the subject or matter. It should be a brief but effective. छोटा होना चाहिए but effective होना चाहिए. It should create interest in the mind of reader to go through the contents of the letter. ये paragraph ऐसा होना चाहिए ताकि सामने वाले के मन में एक interest create हो आगे पढ़ने के लिए. फिर main paragraph आता है. आपका क्या काम है यहाँ पर? आप वो लिखेंगे. It contains the main message of the letter. It is the heart of the letter. ठीक है ना? Simple language, clarity and correctness should be reflected in the message. पहली बात तो आप मैसेज सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हो, है ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी मैटर आप वहां पर लिख रहे हो, इट शुड बी बेस्ड अपॉन फैक्ट, है ना, जो रियलिटी है वो आपको वहां पर लिखना है। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ लेटर। तो ब्रीविटी क्या है? लेटर का सोल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लोजिंग पैराग्राफ। क्या आता है? क्लोजिंग पैराग्राफ। अच्छा, आपने दो पैराग्राफ के बारे में, एक तो पहले इंट्रोड्यूस कर दिया और दूसरा आपने मेन पैराग्राफ लिख दिया। अब क्लोज करने में कई बार कुछ रिक्वेस्ट होती है या आप एट द एंड क्या चाहते हो, डिजायर एक्शन, उसकी बात होती है। सो इट इज अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इट शुड बी रिटन केयरफुली सो दैट द डिजायर एक्शन can be taken by the receiver, है ना? तो आप क्या चाहते हैं रिसीवर से, वो आप यहां पर लिखते हैं। तो इस तरीके से तीन पैराग्राफ में आपने अपनी बात रख दी। और बाद में होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जैसे आपने लेटर को ओपन किया था उसी तरीके से आप लेटर को क्लोज भी करते हैं। This is concluding part of the letter. It is written below the body of the letter. Letter के सबसे अंत में हम इसे लिखते हैं, on the right hand side. It shows polite end. कैसा end? Polite end. अंत भला तो सब भला, है ना? तो हम क्या करते हैं? एकदम polite end यहाँ पर देते हैं of the letter. It should match the salutation. तो salutation से क्या करना चाहिए? Match करना चाहिए. For example, आपने ऊपर लिखा respected sir, तो नीचे आप लिख सकते हैं Your sincerely, है ना? या आपने लिखा है डियर सर और मैडम, तो आप लिख सकते हैं yours faithfully. Yours faithfully मतलब आपका विश्वसनीय, ठीक है ना? और yours sincerely का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी, ठीक है ना? तो जो आपने लेटर ओपन करते समय लिखा था उससे मैचिंग करता हुआ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए। तो योर्स फेथफुली लिख करके आप अपना नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद सिग्नेचर करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया सिग्नेचर का। अ लेटर विदाउट सिग्नेचर इज अ ड्राफ्ट,
रफ लेटर है, उसका कोई मायना नहीं है, तो आप जो भी लेटर लिखते हैं उसके अंदर सिग्नेचर होना चाहिए। इट इज द फाइनल पार्ट ऑफ द लेटर, लेटर का कौन सा पार्ट है? फाइनल पार्ट। आप लेटर यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं, साइन करके दे रहे हैं। द ऑथराइज्ड पर्सन साइन बिलो द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, जो ऑथराइज्ड पर्सन है जिसने ये लेटर लिखवाया है उसका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा। A letter without signature is incomplete and invalid. देखो कितना क्लियर बात कर दिया गया है कि अगर आपके लेटर में सिग्नेचर नहीं है तो आपका लेटर इनकम्प्लीट है, इनवैलिड है। बिलो द सिग्नेचर द नेम ऑफ द पर्सन एंड हिज और हर डेजिग्नेशन इज रिटन, उस पर व्यक्ति का नाम लिखा हो सकता है, डेजिग्नेशन लिखना हो सकता है। द पर्सन हु साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर रिटन इन द लेटर, तो जो पर्सन साइन करता है वो एक एक्नॉलेज्ड पर्सन है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कि जो कुछ भी उस लेटर के अंदर लिखा गया है ये उसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, या वो लिखना चाहता था ऐसा वो इंडिकेट करता है। एनक्लोजर, अब एनक्लोजर क्या है? कई बार लेटर के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑलरेडी 2-3 दिन की छुट्टी कर दी है स्कूल कॉलेजेस में, तो कई बार क्लास टीचर आपको बोलते हैं कि आप एक लेटर के साथ में जो डॉक्टर का पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन होगा या डॉक्टर का लेटर होगा, सर्टिफिकेट होगा, है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आप जमा कराइए। या आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप साथ में अपना बायोडेटा सेंड कीजिए। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आप लेटर के साथ में सेंड कर रहे हैं उसे कहा जाता है एनक्लोजर, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं ENCL, ठीक है। इट इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स चेक एटसेट्रा व्हिच आर अटैच्ड विद द लेटर, लेटर के साथ में जो अटैच्ड होते हैं उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है एनक्लोजर। इट इज शोन बाय द वर्ड ENCL व्हिच इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है। If documents are more than one, it should be numbered and attached serially. अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट, आप 4-5 डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तो उसको सीरियल नंबर में लिखा होना चाहिए और उसी तरीके से उसको अटैच भी करना चाहिए। It helps the receiver to check the document. तो कई बार ऐसा ना हो जाए कि आपने लेटर भेजा और आपने 5 डॉक्यूमेंट भेजा था, उसमें से 2-3 डॉक्यूमेंट मिस हो गए। लेकिन क्या होता है, आपने एनक्लोजर में उसे लिख करके रखा है तो रिसीवर को पता होता है कि इतने डॉक्यूमेंट मुझे साथ में मिलने चाहिए, तो वो क्लैरिफाई कर लेता है, क्रॉस चेक कर लेता है, ठीक है। तो एनक्लोजर का ये फायदा होता है कि लेटर में आप लिख करके भेजिए कि मैं इस लेटर के साथ में और कौन से डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं। तो ये सबसे एंड में होता है जहां पर आप लिखते हो ENCL, एनक्लोजर, ओके। नाउ 11th पार्ट इज कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी नोटेशन। सो व्हाट इज कार्बन कॉपी नोटेशन? इफ द कॉपी ऑफ द लेटर इज टू बी सेंड टू द अदर पर्सन एट द सेम टाइम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये कॉपी जो व्यक्ति को आप सेंड कर रहे हैं उसके साथ में और किसी को भी मिले, इट इज शोन बाय 2 अल्फाबेट CC, तो हम वहां पर लिखते हैं कार्बन कॉपी। इट इज रिटन बिलो एनक्लोजर, एनक्लोजर के नीचे से लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? अच्छा, इसका कारण क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी अधिकारी या ऑफिसर को लेटर लिख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो अधिकारी मेरा काम बीच में रोक सकता है, या वो मेरे काम के बीच में ऑब्स्टेकल है, या वो मेरा काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसके सीनियर ऑफिसर को भी ये लेटर जाए। तो मैं उस अधिकारी को बताता हूँ कि जो लेटर मैंने आपको भेजा है ना, वही लेटर मैंने आपके सीनियर ऑफिसर को भी भेजा है। तो वो अधिकारी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा कि ये लेटर सिर्फ मुझे नहीं मिला, मुझे मिला होता तो मैं इसे दबा देता था, काम नहीं करता था, लेकिन ये सेम लेटर मेरे सीनियर को भी मिला है, तो इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। तो ऐसा इंडिकेशन देने के लिए कि जो लेटर मैं आपको सेंड कर रहा हूं सेम लेटर मैंने आपके सीनियर को भी भेजा है या किसी कंसर्न पर्सन को भी भेजा हुआ है, ये बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम नीचे लिखते हैं कार्बन कॉपी नोटेशन। गॉट माय पॉइंट? क्या इसके अलावा भी लेआउट में और कोई पॉइंट होता है? तो एक और पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट। व्हाट इज पोस्ट स्क्रिप्ट? कई बार लेटर लिखते समय आप लेटर एंड कर चुके होते हैं और आपको याद आता है कि मैं ये पॉइंट मेंशन करना भूल गया, ठीक है ना। अब लेटर तो कंप्लीट हो गया, साइन वगैरह कर दिया आपने, एनक्लोजर वगैरह सब लिख दिया,
तो जो चीज आप भूल गए हो आप उसको पोस्ट स्क्रिप्ट के अंडर में लिख सकते हैं, मतलब लेटर एंड होने के बाद आप एक एडिशनल पॉइंट लिखिए पोस्ट स्क्रिप्ट और उसमें आप इंडिकेट कर दीजिए। लेकिन क्या होता है कई बार ये लिखने पर एक रॉन्ग इंप्रेशन जाता है, सामने वाला बंदा सोचता है देखो भूल गया था इसके लिए इसने नीचे लिखा है ना, तो इट क्रिएट अ बैड इंप्रेशन ऑन द रिसीवर पार्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना जरूरी है तो जानबूझ करके उसको पोस्ट स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो पोस्ट स्क्रिप्ट है क्या, ऐसा कोई पॉइंट कोई मुद्दा जो रह गया है तो उसको लेटर के लास्ट में सबसे एंड में लिखा गया तो उसको नाम दिया जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। सेकेंड क्या लिखा हुआ है, द आइडेंटिफिकेशन इनिशियल, इनिशियल्स ऑफ द डायरेक्टर एंड टाइपिस्ट ऑफ द लेटर अपियर ऑन द लेफ्ट बॉटम साइड। देखो डिक्टेटर जो है मतलब डिक्टेट करने वाला कौन है और टाइपिस्ट कौन है इसका वहां पर मेंशन किया जाता है, क्योंकि कई बार डिक्टेटर ने तो प्रॉपर डिक्टेट किया था बट टाइपिस्ट उसने कुछ एरर कर दिया तो किसकी गलती है किसका मिस्टेक है वो भी समझ में आना चाहिए। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डिक्टेटर एंड टाइपिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर लेटर ऑन एनी लेटर डेट, मतलब बाद में कभी ऐसा पता चले कि इस लेटर में तो मिस्टेक हुआ था तो हमको उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा ना कि किसने डिक्टेट किया था और कौन टाइप कर रहा था, तो उसका नेम और इनिशियल यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मैटर था 11 पॉइंट्स का, इसे कहते हैं लेआउट ऑफ द बिजनेस लेटर, जो हम पर्टिकुलर ड्राफ्ट या फॉर्मेट में देख सकते हैं। एट द एंड यहां पर देखिए लेटर के एंड में कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज आ गया, फिर सिग्नेचर की लाइन आ गई, फिर आपने एनक्लोजर बता दिया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे हैं साथ में और आप दे देते हैं सीसी, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। जब आप FY BCOM में भी जाएंगे तो वहां पर आपको एक सेपरेट सब्जेक्ट होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का, जहां पर ये जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सारे पार्ट्स आपको वहां पर रिपीट मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे सामने है, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। अगर आप एक अच्छा बिजनेस लेटर लिखना चाहते हैं तो कौन से ऐसी बातें हैं जो आप लेटर लिखते समय ध्यान रखेंगे, तो उसमें आपको किन बातों का ख्याल रखना है एक लेटर लिखते समय। गुड बिजनेस लेटर इज दैट विच कन्वेज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स, मतलब कम वर्ड्स में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सबमिट कर सको, ऐसा आपका लेटर होना चाहिए। साथ में क्लियर होना चाहिए लेटर और करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अ बिजनेस लेटर शुड पजेस फॉलोइंग क्वालिटीज टू कॉल इट अ गुड बिजनेस लेटर। तो क्या क्या क्वालिटीज बिजनेस लेटर में होना चाहिए, सबसे पहला है क्लैरिटी। अब इस बात को समझिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको हम शॉर्ट में कहते हैं 8 C's, 8 C's ऑफ गुड बिजनेस लेटर या एसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस लेटर, क्योंकि सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं, सी। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी। व्हाट इज क्लैरिटी, क्लैरिटी इज द सोल ऑफ बिजनेस लेटर, है ना। क्लैरिटी बिजनेस लेटर की आत्मा है। क्यों ऐसा बोल दिया आत्मा है, मतलब मेन टॉपिक है। द मैसेज ऑफ द लेटर मस्ट बी क्लियर, विदाउट क्लैरिटी क्या होगा। अगर आप ऐसी चीजें लिख रहे हैं जो सामने वाले को क्लियर ही नहीं हो रही है तो आपका लेटर लिखने का मकसद बनता नहीं है। तो लेटर कैसा होना चाहिए, सिंपल एंड कॉमन वर्ड्स आर टू बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और आप उसको लेटर के अंदर ड्राइंग की बात कर रहे हो, ठीक है ना, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो वो ड्राइंग का मतलब क्या समझेगा, चित्रलेखा है कि नहीं। बट हमारे लिए ड्राइंग क्या होता है, गुड्स और असेट विड्रॉन और कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, वो हमें पता है, उसको पता नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। आप असेट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हो,
तो अगर सामने वाला पर्सन उससे वेल वर्स नहीं है उस वर्ड से, सो डोंट यूज दैट वर्ड, यूज सिंपल वर्ड. ठीक है, यहां पर वही बात कर रहे हैं कि कमर्शियल जार्गंट हो जो जनरली यूज नहीं किया जाता है नॉर्मल लेटर्स में, टेक्निकल वर्ड है, डबल मीनिंग वर्ड्स हैं, और कोई शॉर्ट फॉर्म है वो भी हमें यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, है ना, शुड बी अवॉइडेड. द नेम्स एंड फिगर्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लेटर. तो जो नाम आप मेंशन कर रहे हैं, फिगर्स मेंशन कर रहे हैं लेटर का, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो दे शुड बी करेक्ट. आप किसी का भी नाम ले रहे हो, कोई भी फिगर वहां पर पुट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज किया जा सकता है. कोई भी आप अप्रोक्सीमेट या शायद वाली चीजें उसके अंदर ना लिखो, क्योंकि एक बिजनेस लेटर है, कमर्शियल लेटर है. तो क्लैरिटी कब आएगी, जब आप सिंपल वर्ड यूज कर रहे हो, कॉमन वर्ड यूज कर रहे हो, उसमें टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, डबल मीनिंग वर्ड्स नहीं है, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल आप मिनिमम कर दो जो जनरली नहीं किया जाता है. ठीक है, ऐसे केस में जब आप करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ करेक्ट फिगर्स देते हो, तो जाकर के वहां पर क्लैरिटी डेवलप होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार ये एग्जाम्पल देता हूं कि एक पर्टिकुलर विलेज है, और ये विलेज जो है मेन सिटी एरिया से दूर है, जहां पर पुलिस स्टेशन है. ठीक है, ये पुलिस स्टेशन है. तो एक बार क्या हुआ, ये विलेज के अंदर एक पर्टिकुलर कोई जो थीफ रहेगा, या हम बोल सकते हैं जो डकैत होता है, जो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, अभी विलेजर्स ने इसको पकड़ लिया. ठीक है ना, और पकड़ लिया तो पुलिस में, हमारे यहां पर क्या होता है, पुलिस में देने से पहले उसकी खूब पहले पिटाई कर देते हैं. अब वो डकैत काफी दिन से वांटेड था, है ना, और लोगों का बहुत गुस्सा था उसके ऊपर, उसने कई डकैती की थी, चोरियां की थी गांव में, सबको परेशान किया था. अब कुछ लोगों का बहुत गुस्सा था कि इसको जान से मार देना चाहिए, कुछ बोलते नहीं, नहीं भाई छोड़ो, पुलिस के हवाले करो उसको. तो क्या किया, वहां पे गांव का जो सरपंच था, उसने क्या किया, उसने पुलिस स्टेशन में एक लेटर लिखा कि भाई हमने ये जो खूंखार डकैत है या थीफ है, इसको पकड़ा हुआ है, तो इसका हम क्या करें, है ना. तो वो जो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर वहां पर रहेगा, उसने वहां पर क्या लिखा एक लाइन में, मारो मत छोड़ो. ये बात समझ में आई. तो ये आंसर लिखा किसने, पुलिस अफसर में, और लेटर वापस से गांव वालों को भेज दिया. अब गांव वाले ये पढ़ के थोड़े कंफ्यूज हो गए. अब वो सोच रहे हैं मैं कॉमा कहां पर लगाऊं, यहां पर लगाऊं या यहां पर लगाऊं. अगर मैं कॉमा यहां पर लगाता हूं तो मीनिंग क्या निकलता है, मारो मत छोड़ो, छोड़ो मत, उसको मारो. और अगर कॉमा यहां पर लगाते हैं तो मीनिंग क्या निकलता है, मारो मत छोड़ो. ठीक है ना. अब एक कॉमा के ऊपर वो थीफ की जान अटकी हुई है, कि समझने में अगर मिस्टेक हो गया तो उस पर्टिकुलर थीफ की जान भी जा सकती है. तो ये अनक्लियर मैसेज है, इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है. ये बात समझ में आई आपको. तो हम जब लिखते हैं तो प्रॉपरली इंडिकेट होना चाहिए कि कहां पर आपको क्या डेटा मेंशन करना है, सो दैट जो मैसेज आप पास करना चाहते हो वो क्लियर हो. कैसा हो, क्लियर. नंबर टू इज कंसाइजनेस. अगेन ब्रेविटी की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेविटी. कंसाइजनेस, कंसाइजनेस का मतलब होता है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड. आपका लेटर ब्रीफ होना चाहिए, कम शब्दों में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको, ऐसा लेटर होना चाहिए. लेटर शुड बी इन ब्रीफ, मिनिमम वर्ड्स आर टू बी यूज्ड. तो मिनिमम वर्ड यूज करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप छोड़ दो, भाई हमको कम लिखने को बोला था ना, इसके लिए हमने आधी बातें लिखी ही नहीं, ऐसा नहीं. आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा उसको लिखो मत,
है कि नहीं, कुछ चीजें बताने के लिए आप बहुत कुछ लिख रहे हो। अभी कोई लेडी ने जिसका हस्बैंड बाहर कहीं देश में काम करता था उसको लेटर लिखा कि यहां पर हम लोग को अच्छे से सिंचाई बुआई करने का मौका मिला, बाकी सब ठीक है, फसल अच्छी हो रही है, बाकी सब ठीक है, पिताजी का तबीयत बीच बीच में खराब होता रहता है, बाकी सब ठीक है, मुन्ने की तबीयत बीच में खराब थी, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, अब वो नॉर्मल है, बाकी सब ठीक है, गांव में जो हमारे घर पर गाय रखी हुई है उसने एक बछड़े को जन्म दिया है, उसको भी डॉक्टर ने दवाई दी है, बाकी सब ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी पूरे गांव का इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे आपका मेन मुद्दा क्या है लेटर लिखने का, वो बता दो जिससे सामने वाले को क्लियर हो जाए कि आपका मकसद क्या है लेटर लिखने का, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन पूरा होना चाहिए बट कंसाइज वे में। सो अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो चीजों की जरूरत नहीं है उसको ना लिखें, उसको अवॉइड करें। अ ब्रीफ लेटर सेव्स द टाइम ऑफ द रीडर, क्योंकि ये बिजनेस लेटर है और बिजनेस लेटर है तो रीड करने वाला मतलब बिजनेसमैन होगा, अधिकतर ऑफिसर होगा, कोई अच्छे पोस्ट पे होगा, डेजिग्नेशन पे होगा और बिजी होगा, तो हमको उनका टाइम वेस्ट करना नहीं है। एंड प्रूव्स मोर इफेक्टिव, तो अगर आप कंसाइज लेटर लिखते हैं ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, बेटर होगा, ठीक है। नंबर थ्री, कंप्लीटनेस। अब ये कंसाइजनेस में मैंने आपको बात कर दिया कि आपको मिनिमम वर्ड लिखना है, इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़ देना ऐसा नहीं है, आपका लेटर कंप्लीट भी होना चाहिए। तो लेटर कंप्लीट कैसे होता है, अ लेटर मस्ट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द रीडर, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। आपने सामने वाले को लिखा कि आने वाले 25 तारीख को हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कृपया आप मीटिंग में आ जाएं। अरे कितने बजे आ जाएं, कहां पर आ जाएं, है ना। आपको क्या क्या मेंशन करना चाहिए, डे, डेट, टाइम, प्लेस, ये मेंशन तो करना पड़ेगा, तब जाकर के वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। उसके साथ साथ मीटिंग क्यों रखी है, एजेंडा क्या है, ये भी आप बताओ, यस और नो। तो जब भी आप कोई लेटर लिख रहे हो उसमें आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है। द लेटर शुड कवर ऑल पॉसिबल फैक्ट्स एंड फिगर पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उसमें प्रोवाइड कर दो। लेटर रीड करने के बाद ऐसा ना लगे अरे प्लेस तो मेंशन किया है नहीं, या ये इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था ये तो बताया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंफॉर्मेशन मिस हो। एन इनकम्प्लीट लेटर डज नॉट अचीव द डिजायर रिजल्ट, आपका लेटर अगर इनकम्प्लीट है तो सामने वाले का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है उसको कंफर्म करने में, तो इसका कोई फिर पर्पस बनता नहीं है इनकम्प्लीट लेटर सेंड करने का, ठीक है। नंबर फोर इज कर्टसी। हमने देखो पोलाइटनेस की बात की थी, तो यहां पर विनम्रता की बात हो रही है कि आप कभी भी रूड लैंग्वेज यूज ना करें। जब भी आप लेटर लिख रहे हैं आप कर्टियस लैंग्वेज यूज करें। सो कर्टसी मीन्स लैंग्वेज ऑफ द लेटर मस्ट बी पोलाइट एंड काइंड, आपको पोलाइट लैंग्वेज यूज करना चाहिए, काइंड लैंग्वेज यूज करना चाहिए। अ कर्टियस लेटर गेट्स अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम द रीडर, रीडर की तरफ से उसको एक फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलता है। हार्श, रूड वर्ड्स, इंसल्टिंग रिमार्क एटसेट्रा शुड बी अवॉइडेड, ऐसे लेटर्स को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स के साथ लेटर को नहीं लिखना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल डैमेज करता है, तो ऐसे लेटर नहीं लिखना चाहिए। लेटर हमेशा पोलाइट एंड काइंड लैंग्वेज में ही होने चाहिए। करेक्टनेस, इस पे खास ध्यान दिया गया है, हमने पहले भी क्लैरिटी में बात किया कि जो भी आप पॉइंट लिखेंगे, जो फिगर्स आप मेंशन करेंगे वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, आप अंदाजा लगा रहे हो या कोई रूमर आप भेज रहे हो ऐसा होना नहीं चाहिए। अ बिजनेस लेटर शुड बी करेक्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और मैसेज। Any mistake in figures or facts will create problem. कोई भी अगर mistake होता है figures में fact में तो problem create हो सकता है। There should not be any grammatical or spelling mistake. कोई grammatical और spelling mistake भी नहीं होना चाहिए। किसी को आप कुछ बोल रहे हो
है ना, जैसे मैंने यहाँ पर बात किया कि डियर सर लिखने की जगह पर आपने क्या लिख दिया, डियर सर ऐसा लिख दिया, हिरन सर। अब उसको तो सुन के बुरा लगेगा, भाई मेरे को हिरन बोल रहा है, और आपसे क्या हो गई, स्पेलिंग एरर हो गया, मिस्टेक हो गया। ठीक है, मैं लिखना चाहता था यू आर इंपॉर्टेंट पर्सन, यू आर इंपॉर्टेंट पर्सन, और लिख क्या दिया, यू आर इंपॉर्टेंट पर्सन। अभी देखिए यहां पर आपको लिखना इंपॉर्टेंट पर्सन था, आपने इंपॉर्टेंट लिख दिया। अभी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, ये एक तरफ का बैड लैंग्वेज हो गया है ना, आपने बोल दिया कि आप नामर्द हैं, ऐसा बोल दिया आपने। तो एक जरा सी स्पेलिंग मिस्टेक क्या कर सकती है, आपके रिलेशंस को ब्रेक कर सकती है। तो हमेशा आप कोई भी फैक्ट या फिगर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा कि ये जो लाइट के बिल वगैरह आ जाते हैं, किसी को 8,000 रुपए का बिल भेजना था है ना, तो इंस्टीड ऑफ 8,000 और लग गया 8 लाख का, सामने वाले को क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों, सिर्फ एक फिगर में मिस्टेक हो गया। होता है ऐसा, कई बार आपने देखा है कि जो व्यक्ति को बिल मिला है ना, अचानक देख करके तो उसका तो हार्ट फेल हो जाता है कि 8 लाख रुपए में कहां से बिल भरूंगा, 80-80 लाख रुपए का बिल आ जाता है। तो वो सिर्फ किसकी वजह से हो गया, रॉन्ग फिगर्स की वजह से हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमको ध्यान रखना है कि कोई भी आप वहां पर फिगर्स दे रहे हैं वो फैक्चुअल बेस्ड होने चाहिए। अ बिजनेस लेटर शुड बी करेक्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और मैसेज, एनी मिस्टेक इन फिगर्स और फैक्ट विल क्रिएट प्रॉब्लम, देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक। उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगली बारी आती है कोहेरेंस की। कोहेरेंस क्या होता है, एकदम सिंपल चीज है, लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन करना है ना, कोई भी चीज कहीं पर मत लिखो। आपका जो पैराग्राफ है, ऐसे तो जनरली बिजनेस लेटर में ज्यादा पैराग्राफ मेंटेन नहीं होता, 2-3 पैराग्राफ आपको मेंटेन करना है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन पैराग्राफ। बट कभी कभी हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन देना होता है तो आपके पैराग्राफ 5-6 भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन करना है कि किसके बाद क्या आना चाहिए। द मैसेज शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ, ऑल पैराग्राफ शुड बी अरेंज्ड लॉजिकली, हर एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कहां पर कनेक्टेड है ना, उसके हिसाब से आपको वो लेटर को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है लॉजिकल सीक्वेंस, इसी को हम बोलते हैं कोहेरेंस। ठीक है, नंबर 7, कंसिडरेशन। क्या कंसिडर करना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यू एटीट्यूड। इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है यू एटीट्यूड, कि जब भी आप लेटर लिख रहे हैं तो सामने वाले की स्थिति को समझिए, कंसिडर कीजिए। कई बार हम लिखते हैं ना सामने वाले को कि दिस लेटर इज स्पेशली रिटर्न टू यू, या दिस ऑफर इज एप्लीकेबल फॉर यू ओनली, आपके लिए ही रखा गया, तो इसको हम बोलते हैं यू एटीट्यूड। जब सामने वाले को हम स्पेशल कंसीडर करते हैं है ना, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए ही लिखा गया, ये ऑफर मेरे लिए ही है। सो द लेटर शुड बी रिटर्न फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू आप लेटर लिखिए, ऐसा लेटर लिखिए कि सामने वाले को अच्छा लगे कि ये बंदा मेरी बात समझता है, मेरी भावनाओं को समझता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पैसा वसूल करना चाहते हैं तो आप उसे लेटर लिख रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं कि इफ आई वुड हैव बीन इन योर पोजीशन मे बी आई हैव डिड द सेम थिंग एज यू हैव डन। मतलब अगर मैं आपकी जगह पर होता तो शायद मैंने भी वही किया होता जो आप कर रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं को भली भांति समझ सकता हूं, मैं आपके दुख में सम्मिलित हूं, है ना। जब आप ऐसा लिखते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि नहीं ये मेरी भावनाओं को समझता है, मेरे इमोशंस को समझता है, तो इससे एक रिलेशन डेवलप होता है। द राइटर शुड गिव ड्यू इंपॉर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर एंड कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द रीडर। रीडर का क्या प्रॉब्लम है वो आप समझ रहे हो, ऐसा आप उसको जताते हो, है ना, आप बताते हो कि ऐसे डिफिकल्ट फाइनेंशियल कंडीशन में भी आप सरवाइव कर पा रहे हो,
ये बहुत अच्छी बात है, और हमसे अभी भी आपका एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है, आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर रहे हो, बट आप ध्यान रखते हो कि आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट ब्रेक ना हो, ये आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप उसको बता रहे हो, है कि नहीं? द रीडर हैज टू मोटिवेटेड टू एक्ट आफ्टर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। तो यहां पर हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमारा रिलेशन बना रहे और रीडर, रीड करने वाला बंदा जो है वो मोटिवेटेड फील करे, डीमोरलाइज ना हो जाए, है कि नहीं? तो यहाँ पर कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू एटीट्यूड के साथ में आपको लेटर लिखना है। यहाँ पर एक ही बात आप समझो कि आप ऐसा समझो कि अगर आप अपने आप को ऐसा लेटर लिखते तो आप क्या चाहते, सामने वाले ने क्या समझना चाहिए, उस हिसाब से आपको लेटर लिखना है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज यू एटीट्यूड। तो सामने वाले को प्रेफरेंस दो, उसकी भावनाओं को समझो, ये लेटर स्पेसिफिकली उसके लिए ही लिखा गया है, ऐसा उसको समझ में आना चाहिए। और लास्ट है चीयरफुलनेस, आपका लेटर पढ़ने के बाद खुशी स्प्रेड होनी चाहिए, हैप्पीनेस, ठीक है ना? ऐसा लेटर मत लिखो कि सामने वाला एकदम मायूस हो गया, डोंट राइट लाइक दिस। अ बिजनेस लेटर शुड बी चीयरफुल, अ चीयरफुल लेटर इज पॉजिटिव एंड इट शोज अ स्पिरिट ऑफ होपफुलनेस। आप ऐसा लेटर मत लिखो, रूड लेटर मत लिखो, हार्श लेटर मत लिखो जिससे वो नेगेटिव हो जाए। हमेशा एक स्पिरिट डेवलप करना है, होपफुलनेस, एक आशा की किरण डेवलप करना है, ऐसा आपको लेटर वहां पर लिखना है। दी लेटर राइटर शुड अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। लेटर राइटर ने नेगेटिव वर्ड और सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कोई भी नकारात्मक विचार आप अपने लेटर में ना लिखें, ठीक है? जिसकी वजह से सामने वाला क्या हो जाए, हताश हो जाए, मायूस हो जाए, ऐसा हमको कोई सेंटेंस नहीं यूज करना है, ठीक है? तो आज के दिन हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, जिसमें से सबसे पहला था लेआउट ऑफ द बिजनेस लेटर, जिसमें टोटल 11 पॉइंट्स हमने किए। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हेडिंग, दूसरा पॉइंट था डेट, फिर है रेफरेंस नंबर। इसको बाहर करना बहुत आसान है, आपको फॉर्मेट याद रखना है, एक के बाद एक आपको सब याद आते जाएगा। फोर्थ है इनसाइड एड्रेस, फिफ्थ है सब्जेक्ट मैटर, सिक्स्थ है सैल्यूटेशन, सेवेंथ इज बॉडी ऑफ द लेटर। तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ एंड कंक्लूजन पैराग्राफ। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली आप मेंशन कर सकते हैं। सिग्नेचर, इसके बाद एनक्लोजर के बाद कार्बन कॉपी नोटेशन, ठीक है ना? सेकेंड क्वेश्चन जो हमने किया, इट्स रिगार्डिंग 8 C's फॉर एसेंशियल गुड बिजनेस लेटर, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कर्टेसी, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंसिडरेशन एंड चीयरफुलनेस। तो ये टोटल 8 पॉइंट हमने देखे, जो बताते हैं कि लेटर लिखते समय एक राइटर ने ये सारी बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर। लेटर जब आपके हाथ में आ रहा है तो वो दिखने में कैसा? कई बार देखिए आपको इनविटेशन कार्ड मिलता है ना, कोई ग्रीटिंग कार्ड मिला या इनविटेशन कार्ड मिला, या तो कोई मैरिज फंक्शन का इनविटेशन कार्ड आपको मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कार्ड कैसा बनाया है ना, डेकोरेशन के अलावा पेपर क्वालिटी कैसी यूज की गई है, उस पर डिजाइन कैसे हैं, मेंटेन कैसे किया गया है, किसका किसका नाम लिखा हुआ है ना, क्यूरियोसिटी रहती है, होता है कि नहीं? तो इस तरीके से जब आप लेटर भी लिखते हैं तो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बिजनेस लेटर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट शुड बी अट्रैक्टिव। कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए। नाउअडेज बिजनेस लेटर्स आर नॉर्मली सेंड बाय ईमेल्स, आजकल तो ईमेल भेजा जाता है। देयरफॉर सम पॉइंट्स लाइक पेपर क्वालिटी, साइज, फोल्डिंग, एनवेलप डजंट मैटर, तो इसलिए कुछ चीजें इररिलेवेंट हो जाती हैं, बट फिर भी हम पढ़ेंगे। But when letter is sent in physical form, following points are to be kept in mind. तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है paper quality. क्या ध्यान देना है? Paper की quality. Paper का size क्या है और उसका thickness कैसा है, ठीक है ना? The paper used for the letter writing should be of superior quality. तो उसमें भी आप देखेंगे कि paper बहुत ज्यादा thin ना हो और बहुत ज्यादा thick भी ना हो, एक नॉर्मल साइज का जो प्रिंटिंग पेपर होता है उस तरीके का होना चाहिए। द साइज ऑफ द पेपर शुड नॉट बी लार्ज, बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। जनरली हम लोग A4 साइज का पेपर इस्तेमाल करते हैं, जो आपको प्रिंटिंग पेपर मिलता है,
है ना, उसे A4 साइज का पेपर कहते हैं। नंबर टू, टाइपिंग। टाइपिंग जो आप कर रहे हैं उसका फॉन्ट प्रॉपर हो, रीडेबल हो, दिखने में सोबर लगे, अच्छा लगे। नाउ डेज हैंड रिटन लेटर्स आर रेयरली यूज। आजकल हैंड रिटन लेटर कोई बेचता नहीं है, ज्यादातर सब ईमेल बेचते हैं या लेटर फिजिकली भी भेजते हैं तो टाइप करके प्रिंट करके सेंड करते हैं। लेटर्स आर यूजुअली कंप्यूटर प्रिंटेड। टाइपिंग शुड बी डन केयरफुली विदाउट एनी मिस्टेक। और आजकल तो जब आप लेटर टाइप करते हैं तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वही एरर आपको इंडिकेट कर देता है कि कहां कहां पर मिस्टेक है, स्पेलिंग एरर है तो वही बता देता है, ठीक है। अ प्रिंटेड लेटर इज अट्रैक्टिव एंड इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन। तो प्रिंटेड लेटर अट्रैक्टिव होता है, एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करता है। उसके अलावा आपको पता है एक मार्जिन मेंटेन करना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है ना, ये जो आपका टेक्स्ट बुक है तो इसका भी देखिए ये दो मार्जिन है, एक तो ये नंबर्स का मार्जिन यहाँ पर ऐसा है और दूसरा लेटर्स जो लिखे हुए हैं यहाँ से लिखे हुए हैं, है ना। अगर कोई पॉइंट यहाँ से लिखा गया होता और कोई पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता, कोई यहाँ से स्टार्ट होता, है ना, तो दिखने में बहुत ही अजीब लगता था। बट इन्होंने क्या किया है, उस मार्जिन को मेंटेन किया है। तो इस तरीके से आपको भी मार्जिन को क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। तो क्या मार्जिन होना चाहिए, जिस तरीके से इसमें दिखाई दे रहा है, तो पेपर मार्जिन शुड बी लेफ्ट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मार्जिन आपको ब्लैंक रखना है। मार्जिन गिव्स एन अट्रैक्टिव लुक टू द लेटर, लेटर को इससे एक अट्रैक्टिव लुक मिलता है। द यूजुअल मार्जिन इज 1.5 ऑन बोथ द साइड, तो दोनों तरफ से आप 1.5 का स्पेस जो है वो लीव कर देंगे और साथ ही साथ टॉप एंड बॉटम साइड में भी आप 1.5 का मार्जिन लाइन स्पेस आप लीव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग इंडिकेट करता है एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ में जो बीच में गैप है और एक लाइन का दूसरे लाइन के साथ में जो गैप है ना बीच में, उसको हम स्पेसिंग बोलते हैं। सो सफिशियंट स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन वर्ड्स लाइन एंड बिटवीन पैराग्राफ्स। स्पेसिंग शुड बी यूनिफॉर्म, कहीं पर आपने ज्यादा स्पेस दिया है, कहीं पर आपने कम स्पेस दिया है, ऐसा मत रखिए। स्पेसिंग मेक्स रीडिंग द लेटर इजियर, स्पेसिंग की वजह से लेटर रीड करना आसान हो जाता है। लेटर हेड, लेटर हेड हमने बात किया था जिसमें हेडिंग आ जाती है, ठीक है। सो लेटर हेड इंक्लूड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। लेटर हेड शुड बी अट्रैक्टिव एंड डिसेंट, अट्रैक्टिव होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, एज इट क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द रीडर, क्योंकि रीडर के ऊपर एक इसका फर्स्ट इंप्रेशन आता है। पॉइंट नंबर सिक्स इज फोल्डिंग। अब फोल्डिंग की क्या बात की है, तो लेट मी शो यू। सो फॉर एग्जांपल आपके पास ए फोर साइज का पेपर है, ठीक है, तो ये आपने ए फोर साइज का पेपर लिया है और इसमें आप लेटर लिखा हुआ है आपने, तो आप इसको क्या करोगे, इसको फोल्ड करके आप एनवलप में डालने वाले हो। तो जनरली जो इसका फोल्डिंग होता है वो कैसा होता है, आप उसको इस तरीके से डबल फोल्ड ना कीजिए, क्योंकि डिपेंड करता है आपका एनवलप का साइज क्या है। तो नॉर्मल साइज के हिसाब से आपको क्या करना है, इसको थ्री फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको उसको प्रेस करके थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, लाइक दिस। अब आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, 1, 2 and 3, ठीक है। तो ये आपको थ्री फोल्ड में ऐसा दिखाई दे रहा है, ये थ्री फोल्ड आपके एनवलप के लिए एक बेटर साइज है, आप इसको फिर एनवलप में प्रॉपर तरीके से फिट कर सकते हो। अगर लीगल साइज का पेपर है, इससे भी बड़ा है, तो आप उसको फोर फोल्ड में कर सकते हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट पेपर को, लेटर को इस तरीके से फोल्ड करते हैं और फिर आपने उसको और फोल्ड किया और आप ऐसा फोल्ड कर देते हैं कि वो आपके पॉकेट में आ जाए इस तरीके से, है ना, तो इट क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो इसके अंदर देखिए कितने सारे बॉक्सेस बन गए, ठीक है। सो इट इज नॉट अ गुड टाइप ऑफ फोल्डिंग। आपको जब फोल्डिंग करना है तो कैसा करना है, थ्री फोल्ड आपको करना है जनरली ए फोर साइज के पेपर को जो एनवलप में आ जाए। लेटर इज टू बी फोल्डेड बिफोर इंसर्टिंग इन टू एन एनवलप, एनवलप में डालने के पहले आप उसको प्रॉपरली फोल्ड कीजिए। मिनिमम फोल्डिंग शुड बी मेड, द रिसीवर शुड फील कन्वीनियंट टू ओपन फोल्ड, तो उसको लेटर को ओपन करने में कन्वीनियंट हो, मतलब आसानी हो,
टू मेनी फोल्ड स्पॉइल द कंटेंट्स ऑफ द लेटर. ज्यादा फोल्ड आपने देखा कि इस तरीके का फोल्ड कई बार क्या करता है, उसके अंदर जो कंटेंट लिखे होंगे उसको स्पॉइल कर देगा, ठीक है ना. जनरली टू और थ्री फोल्ड आर मेड, तो दो से तीन फोल्डिंग आपको करना चाहिए. अब एनवलप का साइज क्या हो वो तो डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट या लेटर आपका कैसा है. तो अगर आपका लेटर इस तरीके का A4 साइज का है और जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एनवलप आपका रीजनेबल साइज का होना चाहिए. बट कुछ पेपर होते हैं जहां पर आपको फोल्ड नहीं करना पड़ता है ना, लीगल पेपर्स होते हैं, तो ऐसे केस में आप बड़ा एनवलप भी ले सकते हैं. तो साइज ऑफ द एनवलप शुड नॉट बी वेरी बिग और टू स्मॉल. बहुत बड़ा एनवलप भी मत ले लीजिए, बहुत छोटा भी मत लीजिए. इट डिपेंड अपॉन कि आप मैटर क्या सेंड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसीवर शुड बी टाइप्ड ऑन द एनवलप. एनवलप पे पूरा एड्रेस हो, क्योंकि जो पर्टिकुलर पोस्टमैन है या कुरियर बॉयज होते हैं उनके पास तो वही रहता है एड्रेस जिसके थ्रू वो सेंड कर सकते हैं, है ना. तो एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए. इट शुड बी द सेम एज इन द इनसाइड एड्रेस. तो जैसा आपने इनसाइड एड्रेस लिखा है उसी तरीके से होना चाहिए. जनरली विंडो एनवलप आर यूज. कई बार आपने देखा होगा कि जो पर्टिकुलर एनवलप होता है उसके ऊपर प्लास्टिक का विंडो बना होता है ना, तो अंदर का जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर दिखता है, तो दो बार लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है. इफ अ विंडो एनवलप इज यूज द लेटर शुड बी फोल्डेड इन सच अ वे दैट द इनसाइड एड्रेस अपीयर्स बिलो द विंडो. तो ये तो कॉमन सेंस है कि विंडो एड्रेस है तो ऐसा आप लेटर को फोल्ड कीजिए कि जो इनसाइड एड्रेस है वो आपको आर पार दिखाई दे विंडो से, है ना. एनवलप में जो प्लास्टिक लगा होता है वहां से आपको इनसाइड एड्रेस प्रॉपर दिखाई दे. तो ये हमने 7 पॉइंट्स डिसाइड किए या लर्न किए रिगार्डिंग फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर, ठीक है. इसमें से कुछ पॉइंट इरेलेवेंट हो जाएंगे अगर आप ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल पेपर है, फोल्डिंग है, ये सारी बातें एनवलप वगैरह नहीं आएंगी उसमें. बट फिजिकल लेटर जब आप सेंड करते हैं तो ये सब पॉइंट्स को भी ध्यान रखना होता है. अब बात करते हैं नोटिस की. कई बार सेक्रेटरी को नोटिस, रिपोर्ट्स, मिनट्स ये सब बनाने होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या चीजें दिमाग में रखनी है. नोटिस गिव्स प्रिसाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज अबाउट टू टेक प्लेस. विथ द हेल्प ऑफ द नोटिस इंफॉर्मेशन इज कन्वेड पब्लिकली for others to know and follow. So notice एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू सेक्रेटरी पब्लिकली कोई चीज अनाउंस करता है और लोगों का ध्यान आकर्षित करता है उसके ऊपर, लोगों को इंफॉर्मेशन पास करता है. According to the Companies Act 2013, notice is an advance intimation given by the company informing the person who are supposed to attend the meeting, the day, date, time, place and business to be transacted at the meeting. तो यहाँ पर बात किया जाता है day, date, time, place and agenda, है ना? ये notice के साथ में दिया जाता है. Secretary has to be particular about contents, agenda, period of notice, mode of delivery, etc. तो secretary को इसके बारे में खास ध्यान रखना चाहिए. सेक्रेटरी हैज फॉर सर्टन रीजन अरेंज फॉर पब्लिशिंग पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर. कभी कभी उसे न्यूज़पेपर में भी पब्लिक नोटिस देना पड़ता है. नोटिस ऑफ AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस अबाउट शिफ्टिंग ऑफिस ऑफ द कंपनी एटसेट्रा. तो ये कुछ नोटिसेस होते हैं जो पब्लिकली न्यूज़पेपर में देना होता है. अब बात करते हैं रिपोर्ट की. रिपोर्ट्स क्या होते हैं? A report is an organized statement of facts or opinion leading to some conclusion. तो यहाँ पर report क्या होता है? कोई particular matter हो गया, कोई चीज है जिसके ऊपर report demand किया जा रहा है. For example, हम एक नया sales office open करना चाहते हैं या हम एक नया factory open करना चाहते हैं, तो वहां वो factory चलेगी या नहीं चलेगी, feasible है कि नहीं है, इसके लिए हम report demand कर रहे हैं. तो report होता क्या है? It is an organized statement. फैक्ट, तो ये फैक्ट देता है उस जगह के बारे में या उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में. आपको फैक्ट प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ कंक्लूजन में आपको एक ओपिनियन देता है ताकि आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले सके और विदाउट सम रिकमेंडेशन. कभी कभी इसमें कंक्लूजन या रिकमेंडेशन होना जरूरी नहीं होता, सिर्फ फैक्ट आपको पता चलते हैं. इट इज अ सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट फिगर कंक्लूजन अबाउट स्पेसिफिक इवेंट और टॉपिक. किसी टॉपिक के बारे में, किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में आपको फैक्ट मिलता है, फिगर मिलता है, कंक्लूजन मिलता है, इन शॉर्ट आपको डेटा मिलता है, ठीक है. अ रिपोर्ट में भी प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ कमिटी. रिपोर्ट किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी कमिटी के द्वारा भी प्रिपेयर की जाती है.
Some reports are to be prepared as per the provisions of the Companies Act. For example, annual report. अभी कोई कोई रिपोर्ट कंपनीज एक्ट के थ्रू कंपलसरी बोला गया है, जैसे एनुअल रिपोर्ट है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, सेक्रेटरीज रिपोर्ट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट है. सम रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. कुछ कुछ रिपोर्ट कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के लिए बनवाती है, जैसे मैंने बताया सेल्स रिपोर्ट है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट ऑन पॉसिबल साइट फॉर सेटिंग अप न्यू ब्रांच, नया ब्रांच सेट करने के लिए पॉसिबल साइट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर रिपोर्ट. सेक्रेटरी मस्ट हैव स्किल फॉर ड्राफ्टिंग रिपोर्ट, और ऐसे रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करने के लिए सेक्रेटरी के पास रिक्वायर्ड स्किल होने चाहिए. सेक्रेटरी शुड बी एक्वेंटेड विद कंटेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. अलग अलग टाइप के रिपोर्ट के लिए क्या क्या फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, क्या कंटेंट का रिक्वायरमेंट होता है, ये सब बातों का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास होना चाहिए. ही शुड बी वेल वर्स्ड विद इट. ठीक है, लास्ट में बात करते हैं मिनट्स की. इसकी बात हमने मीटिंग वाले चैप्टर में की थी. What is minutes? जो summary हम लोग लिखते हैं after the meeting, meeting होने के बाद जो meeting का conclusion है, सार है, वो हम जहाँ पर लिखते हैं उसको बोलते हैं minute book. So minute is defined as minutes is defined as written summary of the business transacted at the meeting. तो meeting में क्या business discuss हुआ, agenda क्या हुआ, क्या resolution pass हुआ, वो जब हम mention करते हैं, एक written summary है, उसे हम minutes कहते हैं. It is a concise and accurate official record. Concise मतलब छोटा, minimum words में maximum information. Accurate official record होता है business discussion का, decision का. It can be used for future references. इसका इस्तेमाल future reference के लिए किया जा सकता है. As minutes is an official record of the meeting, it is necessary to draft minute in a proper format. तो क्योंकि एक official record है, तो इसका एक proper format होना चाहिए. Day, date, time, place, type of meeting, chairman of the meeting, detail about the director, member present are recorded. है ना, quorum क्या था, कितने लोग आए थे, ये सारी बातें उसमें mention करनी होती है. All resolution must be recorded in the minute. जो भी decision pass किया गया है business meeting में, वो सारे के सारे इसमें record होने चाहिए, चाहे वो ordinary resolution हो या special resolution हो. As per the Companies Act, minutes for different class of meeting should be prepared by the secretary within 15 days of the meeting. Meeting khatam hone ke 15 din ke bhitar, jab se meeting end hui, uske 15 din ke andar minutes ready ho jane chahiye. Kisne ready karne chahiye? Secretary ne. Kaun bolta hai aisa? Aisa Companies Act bolta hai. Theek hai? Minutes are prepared by secretary, confirmed by member or director, signed by chairman. And countersigned by the secretary. So minute बनाएगा कौन? Secretary. Confirm कौन करेगा? Member या director. और sign कौन करेगा? Chairman और secretary उसको sign करता है. तो authentication हो जाता है. It is always written in past tense and written in the minute book. तो हमेशा आप उसे minute book में एक separate book में लिखते हो और past tense में आप इसको record करते हो. ठीक है? तो यहाँ हम इस particular chapter को end करते हैं. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले episode में with new chapter. तब तक के लिए bye bye, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा.